हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह, आरबी जी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीमियम में हेलिकल गियरबॉक्स H3 225 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इसके बैरिंग, आयल सील डिटेल्स और बैकलेस, प्लस इसके अलावा अपना एक्सेल फ्लोट के बारे में, किस शाफ्ट में कितना एक्सेल फ्लोट रहना चाहिए, बैरिंग क्लियरेंस क्या रहना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में बने रहें। तो इस गियरबॉक्स का मॉडल है H3 225। H का मतलब है हेलिकल गियरबॉक्स है, इसके अंदर में हेलिकल गियर लगे हुए हैं, और 3 का मतलब 3 स्टेज का गियरबॉक्स है। इसके अंदर में, इस गियरबॉक्स के अंदर 3 स्टेज में पावर ट्रांसमिट हो रही है। 225 इसका साइज है, यानी आउटपुट शाफ्ट और उसके पास वाले शाफ्ट का सेंटर डिस्टेंस 225 mm है, यही इसका मॉडल होता है 225। जैसा कि आप लोगों को पता है, हेलिकल गियरबॉक्स में 3 स्टेज पावर ट्रांसमिट करने के लिए 4 शाफ्टों की आवश्यकता होती है। तो पहली वाली को इनपुट पिनियन शाफ्ट बोलते हैं, दूसरी वाली को सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट बोलते हैं, और तीसरी शाफ्ट को जो पिनियन शाफ्ट है उसको फाइनल रिडक्शन शाफ्ट या थर्ड रिडक्शन शाफ्ट बोलते हैं, और सबसे लास्ट में जो लगी हुई है उसको हम आउटपुट शाफ्ट बोलते हैं। तो इन पे कौन कौन सी बैरिंग लगती हैं और उनका क्या नंबर है और आयल सील कौन सी लगती हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी इनपुट पिनियन शाफ्ट पे लगती है बैरिंग 33208 टेपर रोलर बैरिंग होती है, जो 2 क्वांटिटी में होती है, और सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे 32310 लगती है, ये भी 2 क्वांटिटी में रहती हैं। फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट या थर्ड शाफ्ट में हमारी 32313 टेपर रोलर बैरिंग लगती है। आउटपुट शाफ्ट में हमारी स्पेरकर रोलर बैरिंग 22222 लगती है, इनकी क्वांटिटी भी 2 रहती है। अगर आयल सील में आएंगे तो आयल सील हमारा इनपुट पे लगती है 40527, 2 क्वांटिटी रहती है। आउटपुट शाफ्ट पे 110 130 13 एक नंबर लगती है, और कूलिंग फैन वाली शाफ्ट पे 42558 एक नंबर लगती है। और इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि अगर हमारा रेशियो जो है 25.6 से 47.1 तक रहेगा तो इसमें यही अपना अप्लाई होगा, जो सारा बैरिंग और आयल सील नंबर है। अगर इसका रेशियो 50 से ऊपर जाएगा तो इसके बाकी सारी आयल सील और बैरिंग सेम रहेंगी, खाली इनपुट शाफ्ट की बैरिंग और आयल सील चेंज हो जाएंगी। तब अगर 50 रेशियो से ऊपर एबव होगा, गियरबॉक्स का रेशियो 50 से अगर ज़्यादा है, तो इनपुट में 32307 की बैरिंग लगेगी और 35407 की आयल सील लगेगी। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग आयल सील और बैरिंग है वो सेम रहेंगे, चाहे रेशियो जो भी रहे। अब चलते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं गियरबॉक्स के एक्सेल फ्लोट के बारे में। एक्सेल फ्लोट हेलिकल गियरबॉक्स में बहुत ही मायने रखता है। तो ये लिस्ट है, इसमें हर गियरबॉक्स का प्रीमियम में के सारे गियरबॉक्स, इसलिए प्रीमियम में हेलिकल गियरबॉक्स का ये एक्सेल फ्लोट दिया हुआ है। मॉडल के हिसाब से 2 चार्ट लगे हुए हैं दोनों में से, अपने गियरबॉक्स मॉडल के हिसाब से देख सकते हैं। तो जैसे ये H3 225 है, तो 225 वाली ऊपर से लाइन आएंगे यहाँ पे हम, और इधर H3 पकड़ लेंगे तो हमारा आ रहा है इनपुट 0.05 से 0.1 mm, और सेकंड वाली शाफ्ट का आ रहा है हमारा 0.05 से 0.1 mm, और थर्ड का भी 0.05 से 0.1 mm, यानी तीनों शाफ्टों का सेम ही एक्सेल है, क्योंकि तीनों पे टेपर रोलर बैरिंग लगा हुआ है। और आउटपुट में हमारा स्पीकर रोलर बैरिंग लगा हुआ है, जिसका 1 mm तक का चलेगा एक्सेल, यानी 0.2 से कम नहीं होना चाहिए और 1 mm से ज़्यादा एक्सेल फ्लोट नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों को पता है, टेपर रोलर बैरिंग में जो भी एक्सेल है बटे 2 हमारा बैरिंग क्लियरेंस होता है, लेकिन ये हमारा स्पेरकर रोलर में नहीं अप्लाई होता है। स्पेरकर रोलर में बैरिंग क्लियरेंस अलग है और एक्सेल फ्लोट अलग है। बैरिंग क्लियरेंस हमको फिलर गेज की मदद से देखना पड़ेगा, और ये एक्सेल जो है इसमें सेल्फ अलाइनमेंट बैरिंग रहता है इसमें, इसलिए एक्सेल इसका 1 mm तक चलता है, यानी 0.2 से कम ना हो और 1 mm से एक्सेस ना हो। बैकलेस बेसिकली डिपेंड करता है गियर की प्रोफाइल के ऊपर में। तो इसका फर्स्ट स्टेज का बैकलेस है 0.1 से 0.2 के बीच में,
और इसकी सर्विस लिमिट या मैक्सिमम क्लियरेंस जो है 0.41 mm है, और सेकेंड स्टेज का 0.13 से लेकर के 0.23 mm है, जिसका मैक्सिमम क्लियरेंस जो है, मैक्सिमम बैकलेस जो है वो 0.5 mm है, और थर्ड स्टेज का बैकलेस जो है वो 0.16 से लेकर के 0.26 के बीच में होना चाहिए, जिसमें मैक्सिमम लिमिट जो है 0.71 mm है। इसके साथ में हम एक इसका ऑयल कैपेसिटी का चार्ट अटैच कर रहे हैं। तो जैसे इसमें सर्च करने का ऐसा रहता है, ऊपर में हम 125 देख लेते हैं, सॉरी 225 मॉडल है, S3 225 है, तो इस साइड से हमने S3 सेलेक्ट कर लिया, ऊपर से मॉडल 225 सेलेक्ट कर लिया, तो 27 लीटर इसकी कैपेसिटी आ रही है। ऐसे हम जितने भी 140 से लेकर के 800 तक का गियरबॉक्स है सारे का इसमें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी लाभप्रद लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।